हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप वीडियो को मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है और क्या हमसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छिनक के रूप में है। एक धातु की बाल्टी है जो किस रूप में है, छिनक के रूप में है। देखिए इस प्रकार के हैं, हो गया बाल्टी छिनक के रूप में है। उसके बाद क्या बोलता है, छिनक के रूप में है जो उसी धातु के खोखले बेलन पर बेलनाकार आधार पर खड़ी है। देखिए यहाँ पर एक बेलनाकार आधार भी है। बेलनाकार क्या है, आधार है। इस पर ये क्या है, खड़ी है। बाल्टी के दोनों सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। देखिए ये 45 सेंटीमीटर व्यास बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा
देखिए उसको जब दिया हुआ था उसको हल कर लीजिए तो आपको निकल जाएगा कितना चदरा लगा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि बाल्टी में पानी कितना आएगा, बाल्टी में पानी कितना आएगा, यानी आयतन पूछ रहा है हमसे। तो आयतन देखिए, आयतन पानी जो आता है यहाँ से शुरू ना होता आटने के लिए, ये ऐसा तो नहीं कि इसमें पानी आता है तो हमको इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, ये बिल्कुल हट गया, ये मान लीजिए कि है ही नहीं, तो पानी इतना ही में नटेगा जी, ठीक है। और इसका ऊंचाई कितना है, 34 सेंटीमीटर, कितना है, चलिए लिखते हैं छिन्ना का आयतन बराबर, यानी बाल्टी, बाल्टी का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, इन्हें बताए यार थोड़ा ऐसे लिखते हैं। चलिए 1/3 पाई का मान आप अच्छे से जानते हैं, एच कितना है, तो एच हो गया 34 है ना। चलिए आर वन का स्क्वायर यानी 12.5 का स्क्वायर 22.5 का स्क्वायर और प्लस में 12.5 गुने 22.5 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ सॉल्व कीजिए, सबको बनाइए तो कितना कितना आता है, देखिए इसका वर्ग कीजिएगा तो 156.25, इसका वर्ग कीजिएगा तो 506.25, और ये दोनों को गुना कर देता आएगा 281.55। अभी सबको पहले जोड़ेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर 1/3 गुने 22/7 गुने 34। अब यहाँ जोड़िए 5, 5, 10, 10, 5, 15 के 5, यही ना होगा। और फिर यहाँ 7 × 9 = 1 10 होगा ना। अब इधर जोड़िए तो 5, 7, 7, 6, 13 × 1 = 14, उसके बाद 8 × 5 = 13, उसके बाद ठीक है 7 × 1 = 8, 9 से कितना आया 0.0। इसको हटा के यहाँ कितना लिखते हैं 100। अब इसको हल कीजिए कितना आता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लिखा हुआ है शांत रहिए। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, कोई शंकु है इस प्रकार का है ना, जिसकी ऊंचाई कितना है टोटल 30 सेंटीमीटर है, वो दिख नहीं रहा ना। ये शंकु की ऊंचाई कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है, आधार के समांतर एक तल के द्वारा उसके एक छोटा शंकु काट लिया जाता है, इसी के समांतर एक छोटा शंकु ऐसे काट लिया जा रहा है, इसमें से छिनक के यहाँ से यहाँ तक छिनक बन जाएगा फिर। अच्छा, एक शंकु काट लिया जाता है, यदि इसका आयतन दिए गए शंकु का आयतन का ये पूरा का कितना है 1/27 ही, पूरा का कितना है 1/27 है, तो आधार के कितने दूरी पर इसे प्रतिच्छेद किया जा रहा या कितना मैंने काटा जा रहा है, कितना ऊंचाई पर ये ऊंचाई निकालना है, ये हमें क्या करना है, ये वाला क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं, ए बी और ये हो गया सी है ना, और इसको नाम देते हैं पी क्यू, यहाँ ओ देते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो इस प्रकार से इसका नामकरण हम लोग कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना, तो दोनों त्रिभुज क्या है, अच्छा दोनों शंकु भी दिखाई दे रहा होगा आपको, एक शंकु ये वाला है एक शंकु, यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे, माना कि
ए बी सी मूल शंकु है ना। मूल शंकु कौन है? ए बी और कौन कौन? ए पी क्यू। क्या क्या इसको बोलते हैं? छोटा शंकु लिख देते हैं। शंकु है। अब देखिए ये आपका मूल शंकु हो गया, ये हो गया आपका छोटा शंकु। तो यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, ये वाला को हम लोग बोलेंगे एच वन और ये पूरा एच है। पूरा क्या? ये एच है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा है कि नहीं? दोनों शंकु एक जैसा है ना। तो जब एक जैसा होता तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? अभी समरूप आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, तो आप लोग इसको ख़त्म करने के बाद समरूप ही हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो समरूप में कुछ जान लीजिए क्या होता है। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसके सभी भुजा एक जैसे होते हैं। सभी भुजा जब एक जैसे, सभी चीज़ एक जैसा होगा तो उसे समरूप बोलेंगे। तो उसका भुजाओं का अनुपात एक समान होता है। भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है? एक समान होता है। समझ में आ गया ना। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसका? ए पी क्यू के। या शंकु भी लिख सकते हैं आप, शंकु है ना ये। चलिए ध्यान से देखिए, जब ये दोनों समरूप है तो हम लिख रहे हैं इतना बटा इतना और इतना बटा ई वाला लिख सकते हैं, यानी ओ सी बटा क्या होगा एम क्यू बराबर हो जाएगा ए ओ बटा एम ओ। चूँकि समरूप का है, समरूप आकृति का भुजा आपस में क्या होते हैं? समान अनुपात में होते हैं। भुजा समान अनुपात में होते हैं। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। अब रखिए तो सबको OH OC OC किधर गया? ये देखिए क्या है R1 MQ R2 बराबर में O AO क्या है? तो H H कितना दिया हुआ है? 30। एमओ मालूम है क्या? तो एमओ तो ही मालूम करना है हम लोग को, यही वाला ना मालूम करना है कितना ऊंचा पर काटा गया है। चलिए समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। अब प्रश्न से मूल शंकु का आयतन क्या होगा? क्या होगा जी बताइए? मूल शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 πr²h। मूल शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²। चलिए 1/3 π का मान पाई में रहने देते हैं। अभी आर स्क्वायर का आर स्क्वायर देखिए यहाँ पर कौन सा आर वाला है? वन है, इसके लिए आर वन यही ना है। एच एच कितना दिया हुआ है? 30। तो करेगा कितना बार में? तो यह 10 πr² इन होगा जी, इन होगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग निकालते हैं इसका काटा गया छोटा शंकु का आयतन, या लिख देते हैं डायरेक्ट छोटा शंकु का आयतन। छोटा शंकु का आयतन 1/3 πr² और यहाँ पे देखिए स्क्वायर जो है आर जो है दूसरा है तो आर टू का स्क्वायर और एच डैश क्या हो गया? एच डैश, ठीक है ना। इसी को एच डैश लिखे हैं, यहाँ भी हटा के आप एच डैश लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हटा के एच डैश लिख सकते हैं आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है इसका 1/27 भाग है, ये इसका 1/27 यहाँ लिख दें, यानी 1/3 π आर टू का स्क्वायर एच डैश किसका है? 10 π r वन का स्क्वायर का 1/27 e है। तो एक में करेंगे तब ना बराबर होगा, काट दो कितना बार बढ़ेगा? 9 बार में। और कोई करेगा क्या? देखिए आर टू का स्क्वायर बटा आर वन, ओह सॉरी आर वन का स्क्वायर एच डैश बराबर इधर क्या बचा? 10/9 यही ना बचा जी। अच्छा पाई से पाई कैंसिल भी हो जाएगा, पाई से पाई
यहाँ क्या बचा आपको? आर वन का स्क्वायर, यही ना? अरे यही ना बचा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, घर में क्या करेगा? तो आर वन आर टू का स्क्वायर बटा आर वन का स्क्वायर और एच डैश बराबर कितना होगा? 10/9। अच्छा ये यहाँ आ जाता है तो क्या दिक्कत है? इसका मान मिल जाएगा हम लोग को 30। यहाँ पर दिमाग लो तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा? 10/9। ये कहाँ है? नीचे है ना, कहाँ चल जाएगा? और ये कहाँ है? ये कहाँ आ जाएगा? अब देखिए हम दोनों पर जो स्क्वायर हटा के यहाँ भी डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, एच डैश का मान यहाँ भी निकाला जा सकता है, एच डैश का मान यहाँ भी निकाला जा सकता है, आपको निकाल सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ पे एच डैश का एच डैश बराबर में 10/10, इसको हटा कर हम ये वाला लिख सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे इसका मान दिया हुआ ना, तो ये जो इसको हटा कर हम ये वाला लिख सकते हैं, क्या लिखा जाएगा? 30/ एच डैश का स्क्वायर। चलिए एच डैश बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 900/ में एच डैश, एच डैश गुने एच डैश, एच डैश का स्क्वायर होगा ना, हम एच डैश का तो स्क्वायर कर रहे हैं, काट दें कितना बार में, कितना हो गया ये? अच्छा ये स्क्वायर था ना, यहाँ क्यूब हो जाए, ठीक बात है, ये यहाँ पर स्क्वायर ना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, तो एच डैश का मान कितना मालूम हो गया? अरे 10 का 1000 का क्यूब 10 ना होगा। अब देखिए ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया? तो ऊपर से कितना पर काटा गया है? पूरा 30 था, आया ये 10, तो कितना दूरी पर काटा गया? 20 पर काटा गया ना, तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर अर्थात 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए इसे एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इसको एम ए कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दो शंकु आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मूल शंकु है, इसको ऊपर से काट दिया जा रहा है। मूल शंकु का ये जो है 1/27 भाग है, कितना है? आयतन के हिसाब से है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें मूल शंकु को ए बी सी मान लिए हैं और ए पी क्यू को काटा गया छोटा शंकु मान लिए हैं, तो दो सभी शंकु एक समान होते हैं, तो जब एक समान होते हैं, देखने में एक जैसा होते हैं, तो उसको समरूप कह दिया जाता है, तो दोनों शंकु समरूप हो गए, तो समरूप आकृति के भुजा क्या होते हैं? समान अनुपात में बटे होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी वाला में यहाँ पर ओ सी और एम क्यू दोनों का अनुपात ए ओ और ए एम के अनुपात के बराबर होता है, तो हमें दोनों को बराबर लिख दिए हैं। अभी जो जो इसका नाम था उसको रख दीजिए, ये मूल शंकु था इसलिए आर वन, ये काटा गया बाद में शंकु बने इसलिए आर टू, ठीक है। तो यहाँ पर अब मान रखिए, अब एच डैश यहाँ ना होकर के यहाँ होगा, ठीक है, हम लोग से मिस्टेक हुआ था। चलिए देखिए आपका हो गया आर वन हो गया ओ सी, एम क्यू हो गया आर टू, ए ओ हो गया 30 सेंटीमीटर ये जो ऊंचाई दिया था, और एम ए हो गया एच डैश। तो ये समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लिए। अब दोनों शंकु का आयतन निकालेंगे, मूल शंकु का और काटा गया छोटा शंकु का आयतन। तो मूल शंकु का आयतन आया था 10 πr² आर वन का स्क्वायर, और यहाँ यह छोटा शंकु का आयतन 1/3 πr² एच, तो यहाँ पर छोटा के लिए आर टू था, तो आर टू का स्क्वायर एच हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है इसका 1/27 भाग है, तो ये एक इसका 1/27 भाग हो गया ना, तो 3 से कट गया 9 बार में, यहाँ हो गया क्या, अब पाई से पाई कैंसिल, आर टू का स्क्वायर अब एच वन बराबर यहाँ पर गया 10/9 आर वन का स्क्वायर, एच डैश यहाँ हो गया। अब देखिए
यहाँ आपका हो गया आर टू का स्क्वायर एच डैश, और यहाँ जो गुना करने हमने क्या किया, और फिर से उठा के उधर ले गए हैं, फिर उठा के करके दिए। हम यहीं पर ये वाला काम ना करके भी ये कर सकते हैं, एच डैश का एच डैश, यहाँ पर जो गुना करने हमने क्या करेगा, और दोनों पर स्क्वायर था इसलिए पूरा पर स्क्वायर कर दिए हम लोग। अब इसका वैल्यू आप लोग के यहाँ मालूम है ना मालूम, तो इसको हटा के हम इसको मान रख दिए, एच डैश बराबर में 10 बटा 9 इंटू 30 बटा एच डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए आप, एच डैश बराबर 10 बटा 9 गुने 30 गुने 30 900 और एच डैश का स्क्वायर, ये कटेगा कितना बार में कटेगा बाबू, 100 बार में। तो यहाँ जो भाग कर रहा है इधर क्या करेगा, तो एच डैश का स्क्वायर अब एच यहाँ है तो एच डैश का क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 100 गुने 10 करें तो 1000 होगा ना, तो एच डैश बराबर कितना आ गया, अब बोल रहा है कितना ऊंचाई पर ही काटा गया है, क्या बोलेंगे ना, 30 पूरा था उसमें 10 काट लिया गया तो कितना बचा, अब समझ में आ गया। चलिए सो क्लीन करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक सब सॉल्व कर चुके हैं है ना, आज क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, जिसमें लिखा है कि एक बेलनाकार खोखले अर्धगोले के रूप का है, एक बर्तन है जो खोखले क्या है, खोखले अर्धगोले के रूप का है, देखिए इस प्रकार का है, ये हो गया अर्धगोला हुआ ना, उसके बाद क्या बोलता है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन जड़ा हुआ है, एक खोखला बेलन इस प्रकार से ऐसे जड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। और क्या बोलता है, अर्धगोला का व्यास 7 सेंटीमीटर है, कितना यहाँ से आता है कि 14 है जी, 14 सेंटीमीटर है व्यास, कितना बोला है 14 सेंटीमीटर, एवं बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है, कुल ऊंचाई या लंबाई बोल लीजिए 13 सेंटीमीटर है। तो बोलता है कि बर्तन के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्र फैल गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र फैल गया करना है, क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहली बात यह है कि ये अर्धगोला है, एक बेलन है, एक अर्धगोला और एक, देखिए आपका यहाँ पर अर्धगोला का व्यास दिया था, अर्धगोला का व्यास और बेलन का व्यास दोनों सेम ही है, दोनों एक ही आधार पर ना है, सम बेलन मतलब बराबर होगा दोनों, क्या होगा, तो जितना व्यास इसका होगा उतना ही व्यास इसका होता, लीजिए यहाँ पर हम 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है ना, दोनों का व्यास सेम ही होगा। अब एक बात देखिए, ये जो व्यास दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा ना बाबू, अब बर्तन की कुल ऊंचाई जो है ऐसा क्या दिया हुआ है 13, जिसमें अर्धगोला की ऊंचाई होगी अब कितना, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा, होगा ना, तो अब क्या कीजिए, बारी बारी तीनों का वक्र पृष्ठ का, दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यही ना करना है हम लोग को, है कि नहीं, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 ना बाबू, अर्धगोला की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर हो गया ना, 7 सेंटीमीटर ना, तो लिखे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, चलिए 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 गुने, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, 22 गुने अगर 7 करेंगे तो 154 होता है, होगा ना, 154 गुने 2 करेंगे तो 4 दुनी 8, 5 दुनी 10 और 2 दुनी 4 1 5, 508 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मिनट 154 ना हम बोल रहे थे, हाँ 308 होगा, 154 गुने 2 कर दीजिए 8 10 2 1 3 308 होगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो हुआ ये आ गया आपका, ये जो बेलन दिखाई दे रहा है ना, ये सॉरी ये अर्धगोला, इसका वक्र पृष्ठ आ गया है, अब हम लोग को निकालना है किसका, बेलन, आइए बेलन में, बेलन की त्रिज्या कितना है बाबू, तो जो यहाँ पर अर्धगोला का था वही होगा बेलन का, अब बात करते हैं ऊंचाई,
तो ऊंचाई टोटल ऊंचाई 13 था, 13 में से 7 तो कट गया ना, तो कितना बचा 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ लिख सकते हैं ना, बेलन की, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πRh, 2 22/7, आर हो गया 7, अब एच हो गया कितना 6, इसे ही कट गया 7 ना, 6 × 12, 12 × 24 के 4 हाथ में 2, अब 12 × 24 = 2 = 26, यानी ये जो एरिया है ये एरिया कवर कर रहा है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई वाला जो एरिया कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, कुल आयतन सॉरी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यानी बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये दोनों को जोड़ दें तो हो जाए ना, तो 308 प्लस 264, 8 × 4 = 12 के 2 हाथ में 1, 6 × 1 = 7, 3 × 2 = 5, ये हो गया आपका आंसर, है ना आंसर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनाभ को एक सीध में रखकर एक घनाभ बनाया गया है, इस घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कीजिए, मान लिया कि ये घन है, ये 3 घन होते तो ऐसे सटा सटा के रखते हैं, तो सटा के रखने से लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं होगा, तो जो घनाभ नया जो बन रहा है उसका लंबाई इसको 3 सेंटीमीटर किनारा वाला है, तो 3 सेंटीमीटर ये बढ़ेगा, 3 सेंटीमीटर और बढ़ेगा, 3 सेंटीमीटर और बढ़ेगा, तो हो गया टोटल 9 सेंटीमीटर, नहीं लंबाई तो 9 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई जो 3 सेंटीमीटर था ना वही रहेगा, ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिए मान लिया जाए, सटीक तो ऐसा नहीं बनेगा लेकिन बनाने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं, है ना, एक घनाभ ये बन गया मेरा, अब एक घनाभ और यहाँ मानते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग, बना ही देते हैं, एक मिनट, इस प्रकार से कर दिया गया है, यही ना है, तीनों घनाभ को एक साथ रख दिया गया, 3 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, 3 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, और 3 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, ये भी बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी बोल रहा है 3 सेंटीमीटर है, आप अच्छे से समझिएगा बाबू, है ना, और ये वाला कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वो घनाभ जो यहाँ, ये घनाभ बन गया कि नहीं बन गया, घनाभ का निर्माण हो गया, तो घनाभ की लंबाई में बढ़ोतरी हो रहा है, चौड़ाई ऊंचाई दोनों सेम है, चौड़ाई ऊंचाई दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 × 3 = 9 सेंटीमीटर हो गया है, क्लियर है ना। अब देखिए ऊंचाई की अगर बात करता है ये, तो ऊंचाई मेरा जो 3 सेंटीमीटर था वही रहेगा, और अगर चौड़ाई की बात करता है तो चौड़ाई भी मेरा 3 सेंटीमीटर रहेगा। इसका आंसर कोई खास नहीं है, आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, अगर जोड़ते हैं तो आपका 63 आता है, 63 × अगर 3 × 2 करते हैं तो आपका 126 आ जाता है आंसर, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 × LB + BH + H, आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको, तो 2 × L कितना है 9 × 3, 3 × 3 और 3 × 9, यही ना होगा, चलिए 2 × 9 × 27, 3 × 9, 9 × 27,
सत्ताईस सत्ताईस चौवन, चौवन और नौ जोड़े तो 63 होता है, होता है ना। और 63 गुणे 2 करेंगे तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसको। देखो अब 38 का दूसरा है कि दो गहन जिसमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए इसका आयतन कितना है और इसका भी कितना है, दोनों का 64 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन दिया हुआ है। इसे एक घनाभ बनता है, सटा दिया जाता है तो क्या बनता है, एक घनाभ बन जा रहा है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये सबसे पहले आयतन मालूम है, आयतन से हम लोग क्या निकालेंगे, किनारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे इसका आंसर 160 हो जाएगा। अब देखिए कैसे हुआ, देख लीजिए आप लोग, हो गया ना इतना। तो किनारा बराबर क्या होगा, इतना होगा ना बाबू, और 4 का क्यूब नहीं होता है 64, तो 4 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, किनारा। अब 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया ना, ये भी 64, ये भी 64, दोनों घन है तो दोनों का 4 ना आएगा। अब दोनों का मिला, अब क्या बन जा रहा है, दोनों को सटा देने से क्या बन जा रहा है, लिख देंगे दोनों घनों के सिरों को सटाने से घना बनता है, इसलिए घनाब का, घनाब की लंबाई कितना हो गया, 4 × 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई ऊंचाई तो वही ना रहेगा बाबू, हैं, चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं होगा। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है। 2 × L कितना है, 8, 4 8 है ना जी, दिखाई दे रहा ना, चलिए इधर देखते हैं। 2 × 8 × 4 अच्छा 4 × 4 अब 8 × 4 फिर कितना हो गया, 32, वो 32 ना होगा, ये दोनों को जोड़िए तो कितना, सब तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 × 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया।